हेलो फ्रेंड्स, मेडिसिन जानकारी के चैनल में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिव्यू करने वाले पेरोबा 2.5% क्लींजिंग बार के बारे में या फिर पेरोबा 2.5% सोप्स के बारे में। पेरोबा 2.5% सोप्स का क्या यूज है, कब इसको यूज किया था, कितने दिन होता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगे और किस प्रकार काम करता है, और ये सोप्स को यूज़ करने का सही तरीका क्या, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और ये सोप्स का इस्तेमाल एक्ने और ऑयली स्किन कंडीशन के इलाज में दिए जाने वाले सोप्स इतना यूजफुल क्यों है, और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर और कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर इसको क्यों रिकमेंड्स करते हैं। पेरोबा 2.5% सोप्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बन रही। चैनल पे वीडियो पे पहली बार विजिट किया, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं पेरोबा 2.5% क्लींजिंग बार, जो कि हमारे पास 75 ग्राम्स का सोप है, जिसकी एमआरपी की बात करें तो उसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास सोप है उसकी एमआरपी 153। पेरोबा 2.5% सोप्स को अजंता फार्मा लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। पेरोबा 2.5% सोप्स के अंदर कंपोजिशन की बात करें, उसके अंदर कंपोजिशन है हाइड्रस बेंजोल पेरोक्साइड IP इक्वलेंस टू एन हाइड्रस बेंजोल पेरोक्साइड 2.5% वेट बाई वेट इसके अंदर डाले गए हैं। पेरोबा 2.5% सोप्स के अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले गए उसके पावर ऑफ एक्सचेंज की बात करें, उसके अंदर जो बेंजोल पेरोक्साइड है वो 2.5% वेट बाय वेट इसके अंदर डाले गए हैं। पेरोबा 2.5% सोप्स का यूज़ के बारे में बात करें, उसका इस्तेमाल एक्ने और ऑयली स्किन कंडीशन के इलाज के लिए सोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेरोबा 2.5% सोप्स एक क्लींजिंग बार है, जिसे मुहासे और तेली त्वचा की स्थिति को प्रबंधित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर जो 2.5% बेंजोल पेरोक्साइड होता है, जो कि एक प्रभावी रोगाणुरोधी एजेंट है, जो बैक्टीरिया को मारने और पिंपल्स ब्लैकेट्स और वाइटेट्स के गठन को रोकने में मदद करता है। पेरोबा 2.5% सोप्स क्लींजिंग बार गंदगी और अतिरिक्त तेल को हटाने, छिद्रों को खोलने, त्वचा को साफ करने, उसे तरोताज़ा महसूस कराने में मदद कर सकता है। पेरोबा 2.5% सोप्स के अंदर जो बेंजोल पेरोक्साइड रहता है, जो कि त्वचा में गहराई से प्रवेश कर सकता है और नए मुहासे को फैलने से रोक सकता है। पेरोबा 2.5% सोप्स मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाकर छिद्रों को खोलकर समग्र त्वचा बनावट में सुधार करने में मदद कर सकता है, जिससे त्वचा चिकनी, साफ और अधिक समान रंग की हो जाती है। पेरोबा 2.5% सोप्स का इस्तेमाल अगर आपके चेहरे पे या फेस पे कुछ एक्ने टाइप्स या फिर आपका ऑयली स्किन है, यानी कि चेहरे से ऑयल वगैरह निकलता है, तो उसको हटाने के लिए पेरोबा 2.5% सोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेरोबा 2.5% सोप्स का इस्तेमाल एक्ने और ऑयली स्किन कंडीशन के इलाज के लिए ये सोप्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेरोबा 2.5% सोप्स का इस्तेमाल आप दिन में 2 से 3 बार ये सोप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सोप्स का इस्तेमाल अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। पेरोबा 2.5% सोप्स को यूज़ करने के पहले अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर या कॉस्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में सोप्स का इस्तेमाल करें। अपने मन से पेरोबा 2.5% सोप्स का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो पेरोबा 2.5% सोप्स के बारे में कुछ भी डाउट तुम्हें कमेंट सेक्शन बताएं। पेरोबा 2.5% सोप्स का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोज़। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी सोप्स या मेडिकेटेड सोप्स का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।